सर आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ। कहाँ से? मैं बैकटपुर गांव से हूँ। अच्छा, आप उद्यम चलाते हैं? यस सर, मेरा एक फॉर्म है जिसका नाम प्रकृति क्रिएशन है, जो कहाँ पे जहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स बनता है। अच्छा, रेडीमेड गारमेंट्स में क्या-क्या प्रोडक्ट करते हैं? रेडीमेड गारमेंट्स में सर मेरा बॉक्सर पैंट हो गया और ट्राउजर्स हो गया, टी शर्ट्स हो गया, स्कूल ड्रेस का भी काम चलता है, और बाकी जो यूनिफॉर्म्स होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स का, चाहे आपका सिक्योरिटी गार्ड्स का भी यूनिफॉर्म्स का काम किया जाता अच्छा, स्कूल ऑर्डर भी लेते है। हैं, जी यस सर, सिक्योरिटी का भी ऑर्डर लेते जी हैं, यस ये सब सारे ऑर्डर पे आप काम करते जी हैं। सर। ऑर्डर के अलावा कुछ आपका अपना प्रोडक्ट भी मेरा है? अपना प्रोडक्ट, मेरा एक अपना ब्रांड है स्ट्रेंजर्स के नाम से, स्ट्रेंजर्स के नाम से, और एक प्रिया का, प्रिया के नाम से है। प्रिया के नाम से हम मेंस वुमेन्स वियर का काम करते हैं, जिसमें प्लाजो हो गया, लेगिंग हो गया, कैप्री हो गया, और टॉप्स हो गया, ये सब पे, और ये सब प्रोडक्ट बनता है। और मेरा एक मेरा मेंस का है जो कि स्ट्रेंजर्स के ब्रांड्स के नाम से आता है, जैसे जिस पे ट्राउजर्स हो गया, टी शर्ट्स हो गए, और पोलो टी शर्ट्स हो गए, नेक शर्ट्स हो गए, और शर्ट्स का भी शर्ट्स हो गए, और एक किड्स का प्रोडक्ट है थैंक्स माँ करके, जो कि एक मैं एक बच्चे के लिए हम एक ऐसा प्रोडक्ट और नाम दिए जिसमें कि प्रोडक्ट के साथ साथ एक बच्चे, जो भी माँ माँ अपने बच्चे के लिए गारमेंट्स खरीदती है, तो एक फीलिंग के साथ खरीदे, जहाँ पे थैंक्स माँ का नाम दिया गया है, वाह, वेरी और गुड उस थैंक्स माँ के नाम से किड्स गारमेंट्स का प्रोडक्ट हम लोग सस्टेनेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें, जी, वाह, वेरी गुड। और उसमें हम लोग ऑर्गेनिक वर्जिन कॉटन कॉटन का यूज नहीं करते, हम लोग ऑर्गेनिक कॉटन कॉटन का यूज करते हैं, और उसके लिए गॉड से सर्टिफाइड, और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, ग्लोबल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक टेक्सटाइल, वहाँ से ही हम लोग कपड़े को खरीदते हैं, चाहे वो सिंगल जर्सी हो, चाहे वो कम डाइंग किया हुआ फैब्रिक हो, जो कि पूरी तरीके से बच्चे को, बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, जो और बच्चा उस को पहनने से ना तो कुछ किसी प्रकार का बॉडी डैमेज हो, और ना ही तो उससे इन्फेक्शन हो, उसका ख्याल रखते हुए, उसको टेस्टिंग करवाते हुए हम लोग मार्केट में निकालते हैं। जी, तो ये स्कूल ड्रेस हो चाहे सिक्योरिटी गार्ड्स के जो ड्रेसेस हैं जिनका ऑर्डर लेते हैं, ये तो ऑर्डर हो गया। बाकी आपका जो अपना खुद का प्रोडक्ट है वो उसकी मार्केटिंग कहाँ करते उसकी हैं? मार्केटिंग सर हम लोकल मार्केट्स में भी करते हैं, और होलसेलर मार्केट में भी करते हैं, ई कॉमर्स पे भी करते हैं। करते हैं ई कॉमर्स में आपका माल? ई कॉमर्स पे फ्लिपकार्ट सेलर पे हम लोग रजिस्टर्ड किए हुए, वहाँ से माल हम लोग सप्लाई बेचते हैं। अच्छा, आप जेम पोर्टल पे भी हैं? जेम पोर्टल पे भी है सर, हम लोग जी, एक्सपोर्टर हैं एक्सपोर्टर्स नहीं है अभी, लेकिन हम लोग जेम पोर्टल पे हम लोग बीड का काम करते हैं, जहाँ जी। से सिक्योरिटी गार्ड, जैसे कि कोई भी डिफेंस मिनिस्ट्री का बीड निकलता है, या फिर आपका इंडियन ऑयल का बीड निकलता है, यूनिफॉर्म्स का बीड निकलता है, तो वो सब बीड हम लोग अप्लाई करते हैं, जी और उस पर हम लोग काम करते हैं। जी अभी हाल में ही हम लोगों ने बी हब में, बी हब पटना में एक्सपोर्ट पे श्री संजीव कुमार वर्मा सहायक निदेशक के द्वारा वो कार्यक्रम चलाया गया था, शायद आपको पता भी होगा। जी सर, मैं उससे लोग बहुत लाभान्वित भी होंगे, हो रहे हैं, और मैं आपको एक्सपोर्ट के लिए जो तरीका है हमारे कार्यालय में आप विजिट करें, और हमारे अधिकारी श्री संजीव कुमार वर्मा जो कि आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे, और जी अपना जितना उसका कोड लेकर के और पूरी तरीका जो कैसे एक्सपोर्ट होता है ये करें। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हमारे बिहार पटना में आप इतनी अच्छी कंपनी जो बैकटपुर में है, मतलब पटना से कुछ हट के दूरी पे पटना से है 32 किलोमीटर दूर जी, खुसरूपुर स्टेशन मगर के समीप, खुशरूपुर स्टेशन, मगर और वो अभी पॉश इलाका नहीं है, जी बट आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे MSME DFO पटना आपको बहुत बहुत बधाई और थैंक्स देता है, ताकि आपको हमारे कार्यालय से, जो आप MSME DFO पटना जहाँ आप आए हैं, जी आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है? सर, हमको MSME से बहुत बेनिफिट मिला है, और बहुत बेनिफिट आगे भी हम सोच रहे हैं, फर्दर कम्युनिकेशंस भी हम संजीव सर से कर किए हैं, और उनसे भी डिस्कशंस और मीटिंग, मतलब कि सप्ताह में एक दो बार होते रहती है, और हम अपने प्रोडक्ट के लेके, जैसे आप ट्रेडमार्क हो गया, फिर बारकोडिंग हो गया,
तो ये सब के लिए भी हम लोग अप्लाई करके उसको जितना से जल्दी हो सके हम उसका भी बेनिफिट लेना चाहते हैं। वेरी गुड। मगर आप हम एक सवाल है आपसे, बड़ा अहम सवाल है कि आज के बच्चे जो नौकरी के पीछे भागे दौड़ते फिरते चलते हैं और अपना पूरी ज़िंदगी उसके पीछे लगा देते हैं मगर नौकरी मिल नहीं पा रही है, ठीक है, नौकरी उतना है नहीं, तो वो बिजनेस करने में बहुत अपने आप को बड़ा छोटा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। तो आप तो एक उदाहरण है जो कि आप खुद एक बिजनेस करके एक गांव से मैंने पटना से 32 किलोमीटर दूर से आप कर रहे हैं और आज आप मैंने हमारे भारत के पटल पे छाए हुए हैं। तो आप दो शब्द हमारे नए बच्चों को बताएं। सर मैं अपना एक्सपीरियंस फील करना चाहूँगा आपके इस यूट्यूब और आपके जो MSME ग्लोबल मार्केट और MSME यूट्यूब MSME ऑफ इंडिया चैनल के थ्रू माध्यम से हम अपना एक्सपीरियंस और मतलब शेयर करना चाहते हैं उस नए बच्चों के लिए जो कि स्टार्टअप हो, चाहे वो स्किल इंडिया से मतलब डेवलप कर रहे हैं और अपना बिजनेस को आगे बिजनेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम उन लोगों को एक मैसेज देंगे कि पहले तो आप अपना हेजिटेशन छोड़ दीजिए, ये चीज़ भूल जाइए कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं। Yes. और ये चीज़ आप भूल जाइए कि हम कुछ मतलब कि बिजनेस में जैसे कि सबसे ज़्यादा IAS अधिकारी होता है, IPS अधिकारी होता है, ऑल ओवर इंडिया में बिहार से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है। वैसे किसी भी आप ये मत सोचिए कि एक गुजरात मॉडल है चाहे किसी और भी स्टेट ही के ही बच्चे लोग काम कर सकते हैं, नहीं, ये दिमाग का उपज है। बिजनेस करना कोई किताबी ज्ञान नहीं है, जो बिजनेस वो आठवीं फेल नहीं, बिजनेस करना क्या बुरा बात है? नहीं, कोई भी बुरा बात नहीं है बिजनेस करना। बिजनेस करने से आपकी आपका जो इमेज होता है जैसे नौकरी वाले जो है उनका इमेज, हम भी एक चीज हाँ मैं वही जानना चाह रहा, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि नए जो कमर्स हैं वो बिजनेस के प्रति कैसे रुझान बनाएंगे। सर हम पहले जॉब में ही थे और हम 8 साल जॉब किए हैं गारमेंट इंडस्ट्री में एज ए डिजाइनर एंड एज ए मार्केटिंग। मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अरविंद मिल में भी काम किया हूँ, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स बैंगलोर में भी काम किया हूँ और प्रतिभा सिंटेक्स लिमिटेड जो इंदौर में स्थित है वहाँ भी हम मेरा लास्ट जॉब कोरोना के टाइम 2020 में हुआ जी। और फिर हम घर पे आके 2 मशीन डाले और 2 मशीन में हम मास्क बनाना स्टार्ट किए और वहाँ के लेडीज लोगों को हम मतलब इसके बनाने के लिए हमको टेलर्स नहीं मिल रहे थे तो वहाँ के जो सिलाई मशीन जो लेडीज लोग चलाती थी उनको हम डेवलप करके उनको बनाना सिखाया और वो काफ़ी अच्छा मेहनत करके अपना आप को इस डेवलप किया इसके मेरे माध्यम से ताकि वो कल के आज के डेट में वो आज मेरे से जुड़े हुए हैं और वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए कितना बड़ा बात है कि आप अपने आप को तो डेवलप किया ही मगर आपके साथ जितने भी जो जुड़े जो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उनकी भी डेवलपमेंट हुई, इनका भी घर चूल्हा चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये क्वालिटी अपना आप पूरा विवरण बताएं। मेरा नाम अमित कुमार हुआ, मेरा फॉर्म का नाम प्रकृति क्रिएशन हुआ, मेरा ग्राम प्लस पोस्ट बैकटपुर राजपुटोला हुआ, नियर बैकटपुर राजपुटोला पोस्ट ऑफिस, मेरा मोबाइल नंबर 6260104261 हुआ और ईमेल आईडी kumar.anand.vishwas@gmail.com। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हर काम, ये जो हमारे बिहार से हैं। मैं सुधीर कुमार अनुदेशक MSME DFO पाटलिपुत्रा पटना से, धन्यवाद।